सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि अभी ब्लॉग वेबसाइट का यहाँ पे क्लास चल रहा है और मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम सर्च इंजन अपने ब्लॉग में कैसे लगा सकते हैं, इस तरह का जो कस्टम सर्च इंजन है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का हम लोगों ने कस्टम सर्च इंजन क्यों लगाया है, इससे भी अर्निंग होती है। अगर मान लीजिए आपका ब्लॉग वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव्ड है तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें मैं लिखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्निंग कैसे होती है। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। जैसे मैंने इसमें इंटर मारा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञापन दिख रहा है, ठीक है, अगर मेरे साइट पे इस तरह का आर्टिकल अगर होगा तो वो दिख जाएगा। अगर आर्टिकल नहीं भी है तो भी इसे दिखना है। तो ये जो देख रहे हैं, इस तरह का मान लीजिए कोई भी मान लीजिए इस विज्ञापन के ऊपर क्लिक करता है तो जैसे मान लीजिए $1 मिलता है, ठीक है। $1 अगर मान लीजिए अर्निंग होती है तो 50% वो रखेगा एडसेंस और 50% आपको देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कस्टम सर्च इंजन को लगा करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह का कस्टम सर्च इंजन कैसे क्रिएट करेंगे और कहां से करेंगे और इसको कैसे लगाएंगे। ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा एक ब्लॉग है दुनिया का इतिहास .xyz, ठीक है, जिसको एडसेंस ने यहाँ पे अप्रूवल दे के रखा हुआ है और इसमें ऐड वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड वगैरह सब चीज़ आता है, ठीक है। तो हम इसमें आपको बताएंगे, यहाँ पे सर्च इंजन हमने नहीं लगाया है तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे। तो सिंपल है, आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा कस्टम सर्च इंजन और सबसे पहला आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इसे ज़रूर देखें। तो सिंपल है, यहाँ पे क्रिएट कस्टम सर्च इंजन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर सिंपल सा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए वेब मास्टर टूल का ही ये प्रोडक्ट समझिए है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम डालना है तो डोमेन नेम हमारा यही है, तो फिलहाल हम यहाँ पे डोमेन नेम डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे डोमेन नेम हमने डाल दिया और देखिए दोस्तों एक साथ बहुत सारा लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लगाया तो एक ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी रखिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश रखिए, जो रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। तो हमारा हम ही यहाँ पे हिंदी रखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर सर्च इंजन का क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन का नाम देना चाहते हैं हम, दुनिया का इतिहास है तो दुनिया का इतिहास ही हम देंगे, ठीक है। तो हमने दे दिया दुनिया का इतिहास, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया दुनिया का इतिहास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ से सिंपल है, क्रिएट के ऊपर हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से आप रिव्यू कोड कर सकते हैं, पब्लिश URL भी कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल को हम यहाँ पे अभी क्लिक करके यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें आप, ठीक है, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देते हैं दोस्तों तो अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कुछ भी। चलिए अपना सेटिंग में जा करके हम यहाँ से जो भी होता है उसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना अगर हमको चाहिए तो दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा लेते हैं और हम यहाँ पे जाके इसे दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कीवर्ड देना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको और यहाँ पर हम इसका कीवर्ड दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर कीवर्ड दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा साइट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से गेट कोड नहीं करेंगे, ठीक है, गेट कोड अभी हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। तो सिंपल है, अभी हम जाएंगे मेक मनी के ऊपर क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम यहाँ से इसे, ये अभी ऑफ है, इसे ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अभी हमारा
जो होता है एडसेंस अकाउंट का, देखिए यहाँ पे पब्लिशर आईडी वगैरह यहाँ पे लेकर के आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पहले से साइन अप करके रखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों, लुक किस तरह का चाहिए यहाँ पे हम क्रिएट करके देख लेते हैं। तो ओवरले ही आप रखिए, ठीक है, और सर्च प्रेफरेंस में भी आप कुछ जा करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके देख सकते हैं, इस तरह का आपको दिखेगा सर्च करने के बाद। हम सिंपल सेटअप के ऊपर अभी क्लिक करते हैं, ठीक है, अब हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग, हमारा सारा सेटिंग हो चुका है, बस इतना सा ही आपको सेटिंग करना होता है, तो सिंपल है। अभी यहाँ पर हम रिसीव कोड के ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे, ठीक है, रिसीव कोड के ऊपर। और यहाँ दोस्तों आपको ये जो है सर्च इमेज, इसे ऑफ रखना है। अगर आप इसे ऑन कीजिएगा तो लोडिंग होने में, आपके वेबसाइट को लोडिंग होने में समय लगेगा। यहाँ पे इसका डेमो दिख रहा है कि ये आपको कैसा दिखने वाला है, ठीक है, तो हम इसे सिंपल ऑफ कर लेते हैं। अब सिंपल यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पे गेट कोड कर लेते हैं, यानी रिसीव कोड, रिसीव कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो कोड आ गया दोस्तों, बस ये कोड को यहाँ से कॉपी करना है। आप अपने, अगर क्या कहता है जी, यहाँ पे अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी में, और हमारे पास तो ब्लॉगर है तो सिंपल हम अपने ब्लॉगर पे जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कहाँ गया, लेआउट के ऊपर जाना है। लेआउट के ऊपर जाने के बाद दोस्तों अभी हम अपना थोड़ा सा अपना देख लेते हैं, ठीक है। लेआउट के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे लेआउट दिख रहा है, तो लेआउट के ऊपर जाके यहाँ पे ऐड ए गैजेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड ए गैजेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक HTML जावास्क्रिप्ट गैजेट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये कोड को हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सिंपल हम यहाँ पे इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं सर्च, हम दे देते हैं इसका नाम, सिंपल हम यहाँ से सेव कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सेव हो चुका है। अब हम लोग इसे सेव अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने साइट को यहाँ पे वेरीफाई करके, यानी रिफ्रेश करके देखते हैं कि वो हमारा यहाँ पे लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा सर्च इंजन लग चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करके देखते हैं। चलिए दुनिया का इतिहास सर्च करके देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर आप सर्च इंजन लगा लेते हैं तो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।